जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान की तरह होती है, क्योंकि जहां को जो भी चीज होती है वो हमेशा जनता के एंटरटेनमेंट लेवल के लिए होती है। और जब उसी जनता के सामने उनके फेवरेट एक्टर या किसी भी फेवरेट के लिए अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके नाम पर वापसी आपको जरूर मिलेगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है कविता कौशिक के साथ में। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। और आप सभी को बता दूं कि जिस तरीके से कविता, रौनक इन लोगों ने इल्जाम लगाए हैं अभिनव शुक्ला के लिए, बता दूं कि इस समय जनता जो है वो रुभिनव को जो है वो सपोर्ट कर रही है, रुभिनव के सपोर्ट में सामने आई है। इनफैक्ट जिस तरीके से बोली गई है पर्सनल बातें कि भाई उन्होंने काफी ज्यादा दारू के नशे में आके उन्होंने मेरे को बहुत एरोगेंट वायलेंस वाले मैसेजेस भेजे हैं जिसके लिए मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ी है, तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जनता जो है कविता कौशिक ने जो एक इमेज अपनी बनाई थी, FIR जब शो आया करता था कविता कौशिक की रेपो ये थी, इस रेपो से वो यहां तक आ चुकी हैं बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ हर कमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड। ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अच्छी खासी इमेज की ऐसी तैसी कर ली है। रीजन मैं आपको बताती हूँ कि इस समय अभिनव और रुबीना को लेकर जो उन्होंने पर्सनल लाइफ को लेकर कॉमेंट किया है, पर्सनल लाइफ को लेकर उनकी चीजें जो पुरानी है जिस पर चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, रिश्ता जो संभल रहा हो तुम उसे और तोड़ने के लिए हथौड़ा मार रहे हो, इन सब को लेकर ट्विटर पर इस समय इनके लिए हैशटैग बन चुका है, हैशटैग शेमलेस कविता कौशिक प्लस रौनक। बता दूं आपको यहाँ पर कि ये जो हैशटैग है इस समय ट्रेंड कर रहा है, जनता बैक टू बैक इसे शेयर कर रही है, बैक टू बैक इसके बारे में बातचीत कर रही है, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। इनफैक्ट सिर्फ कविता कौशिक ही नहीं बल्कि बिग बॉस को लेकर भी लोगों का गुस्सा उतना और ज्यादा निकल कर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बिग बॉस में इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज है, ऑलरेडी इविक्शन को लेकर इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज है, ऐसे में टीआरपी के लिए ये वाला स्टेप जो है वो कहीं ना कहीं गलत उसमें जा सकता है। ऐसे में आप लोगों की राय क्या है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों के हिसाब से आप क्या सही है क्या गलत है, राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।